एमपी विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और उसी कड़ी में अब वह सागर के केंद्रीय जेल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राजकुमार धनौरा से मुलाकात की। देखिए रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एमपी में सक्रिय मोड में नजर आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव में पीड़ित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में सोमवार की देर शाम दिग्विजय सिंह सागर के केंद्रीय जेल पहुंचे, जहां सुर्खी विधानसभा के कांग्रेस नेता राजकुमार धनौरा से जेल में मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजकुमार धनौरा के साथ गोविंद राजपूत ने बहुत अन्याय किया है, निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है। हमारी पूरी सहानुभूति उसके और उसके परिवार के साथ है। रैली भाई साहब, रैली में घटनाक्रम हुआ है, गणाकोटा गए थे आप क्या? गणाकोटा में मुझे दुख है इस बात का कि भाई गोपाल भार्गव तो वैसे ही महाबली हैं, चुनाव जीत ही सकते थे। ये सब करने की उनको आवश्यकता नहीं थी जो उन्होंने किया है। पीड़ित को न्याय नहीं मिला, अभी तक एफआईआर नहीं हुई, सिर्फ आवेदन रखा है। नहीं, एफआईआर तो हो गई है। जो उनके बयान आज हो गए हैं, जिन लोगों के बयान नहीं हो पाए थे, और इस बारे में जो भी उनके वक्तव्य हैं उनको एफआईआर में शामिल कर लिया गया है और एडिशनल एसपी को जांच सौंपी गई है। हमें उम्मीद है कि उसमें न्याय होगा। इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आभार जताया और भाजपा पर जोरदार निशाना साधा। देखिए, कल राजा साहब आए थे गड़ापुरा, जो 18 तारीख को मुझ पर, मिंटू चौरा पर, अर्जुन सिंह ठाकुर पर और चिंटू सिंह ठाकुर पर जो जानलेवा हमला हम लोगों पर किया गया था, और हम लोग रात के 2 बजे तक एफआईआर करने के लिए पुलिस थाने में बैठे रहे। एसपी साहब भी थे, वहीं कलेक्टर साहब भी थे, परंतु हम लोगों की तरफ से एफआईआर नहीं हो रही थी। वो पुलिस वाले फरियादी बनकर के एफआईआर कर रहे थे। जिस तरीके से हम लोग लिखाना चाह रहे थे एफआईआर, हमारा एक भी नाम जो आरोपी का नाम है वो अपने मन से उन्होंने डाल दिया। जो हम लोग लिखाना चाह रहे थे उसमें वो आरोपी का नाम नहीं आ रहा था। और वो जो सारा मामला जो उस दिन हुआ, जो सारी घटना हुई, जानलेवा हमला हुआ, उसको एक छोटे से विवाद का रूप दे करके उसको निपटाना चाहते थे जो गड़ाकोटा पुलिस है। इसलिए राजा साहब, माननीय दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ आए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। वो कल गड़ाकोटा आए, गड़ाकोटा में रात कार्यकर्ताओं से मिले और रात वहीं रुके, और सुबह वो एडिशनल एसपी सिन्हा जी से मिले और उन्होंने हम सभी के बड़ी मुश्किल से वो एडिशनल एसपी मानने को तैयार नहीं थे, पर जब राजा साहब ने कहा कि फिर मैं, यदि आप लोग नहीं मानते तो मैं फिर इसको पॉलिटिकली रूप में करूँगा, पॉलिटिकल इसका वो करूँगा, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से मानने को तैयार हुए और हम सभी लोगों के जो बयान हैं, हम चारों लोगों के बयान हैं, फिर उसके बाद रिकॉर्ड हुए। आप ये बताइए कि हमारे जो भाइयों को ऐसी गंभीर चोटें आई हैं कि हो सकता था कि हम लोगों ने तो ये सोच लिया था कि वो शायद नहीं बचे होंगे। मेरा जो हमारे परिवार का भाई है रामोतार कुंडी, उसके साथ नीलेश राजपूत, अर्जुन सिंह ठाकुर का भतीजा, तो हम लोगों ने ये सोच लिया था कि शायद ही ये लोग बचेंगे, और इसके बावजूद भी ये छोटा सा मामला बना करके निपटाना चाहते थे। तो इस तरीके से ये भाजपा की गोपाल भार्गव हम लोगों पर और पूरे क्षेत्र के लोगों पर, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। हमारी 6-6 गाड़ियां हम लोगों की पूरी क्षतिग्रस्त कर दी, पूरी तोड़फोड़ डाली, और इसके साथ हम लोगों की गाड़ियों में, आप ये बताइए कि हम लोगों के पास रिवॉल्वर होती तो हम लोग वहाँ पर क्यों बंद होते? हम लोगों की गाड़ी में अवैध हथियार डाल दिए। मिंटू चौरा जी खड़े हुए हैं पार्टी में, मिंटू चौरा जी की फॉर्चुनर थी, जिस फॉर्चुनर में माननीय कमलनाथ जी उस दिन आए थे, उसी फॉर्चुनर पर उनकी नज़र थी। उस फॉर्चुनर को बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया और उसमें 2 पिस्टल डाल दी, 6 कारतूस डाल दिए, और उन्होंने वो केस भी आज दर्ज कर लिया है। मतलब हम लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया। नहीं, उनका भी बयान आया था। भाजपा प्रत्याशी गोपाल भार्गव ने इस पूरे मामले को नौटंकी बताते हुए कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। और संभावना यह भी है
कि एक राष्ट्रीय पार्टी के होने के बावजूद भी ये जो सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, इनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। तो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए, या हार के कुछ भी कारण बताने के लिए कि अरे साहब क्या करें, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुल मिला के ये आशंका, भय, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसकी परिणति है जो ये सब नौटंकियां हो रही हैं, जानबूझ के हो रही हैं, इन्हीं के लोगों के द्वारा हो रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिला जो खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये महिला गला घोटा के हमारे जो मोहल्ले हैं लालपुरा कहलाता है, इसमें आके क्या कर रही थी। इसके जो ये दोस्त हैं जिनके साथ इसकी फोटो वगैरह हैं, ये महिला जो है, कैसी फोटो है, सब वीडियो में है, ये महिला वहां से, या इनके वो भी जो किसी गांव चोरा ओरा गांव है उसके मित्र हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे थे हमारे नगर में, समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के मैं इस विषय को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जानकारी ये भी मिली है कि इन लोगों की जो गाड़ियां आई वो आई हत्या करने के उद्देश्य के, किसी व्यक्ति की हत्या करने थी, उसके बारे में बाद में खुलासा करूंगा, पुलिस खुलासा करेगी। इतना कहना चाहता हूं कि ये हार से उपजी निराशा जो है उसी की परिणति है और ये सब नौटंकियां नाटक हो रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि सागर जिले में उठा सियासत का यह बवंडर कहां जाकर शांत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज सागर।